2019 में गंगोली हाट के सिन्युड़ा गांव में एक बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले विजय कुमार उर्फ बिट्टू को सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि विजय कुमार ने 29 अगस्त 2019 को 65 वर्षीय राधिका देवी की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने विवेचना कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विजय कुमार को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विजय कुमार को धारा 201 के तहत 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई घटना के बाद पिथौरागढ़ में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मानकों की जांच शुरू हो गई है। शुक्रवार को उप जिला अधिकारी आशीष मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी परवेज अली, तहसीलदार विजय गोस्वामी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी, कर व राजस्व अधीक्षक निषाद अंसारी की टीम ने नगर में 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकस्मिक छापेमारी कर मानकों की जांच की। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपात स्थिति में निकलने के लिए पर्याप्त द्वार, आग लगने पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने के साथ ही गंदगी और सफोकेशन होने संबंधी कमियां पाई गईं। इस पर 2 कोचिंग संस्थानों के 5,000 के चालान किए गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी परवेज अली ने बताया, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बागेश्वर जिला मुख्यालय के ज्वाला देवी वार्ड में रहने वाले व्यापारी सुरेश चंद्र तिवारी के आवास में तेंदुआ घुस गया। तेंदुआ काफी देर तक घर के भीतर ही टहलता रहा। तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिवार के लोगों ने पहले उसे कुत्ता समझ लिया। गौर से देखने पर परिजनों के पसीने छूट गए। व्यापारियों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। रेंजर श्याम सिंह ने लोगों से घरों के आसपास उगी झाड़ियां को साफ करने, बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजने और घरों के आसपास रोशनी का उचित इंतजाम रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम रात्रि गश्त भी करेगी। प्रभारी थानाध्यक्ष जौलजीबी मुनव्वर हुसैन और एसओजी प्रभारी मनोज पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान बरम रोड बंदर खेत के पास से नंदन सिंह बिष्ट निवासी कनार को 2 किलो 20 ग्राम चरस के साथ से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ जौलजीबी में NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। SP रेखा यादव ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्राप्त सूचना पर SOG व थाना पुलिस को रवाना किया गया, जिस पर संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी कर उसके पजेशन से 2 किलो 20 ग्राम चरस बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। साथ ही इस कार्य को करने वाली पुलिस टीम का भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सराहना की जाए। पुलिस टीम में कांस्टेबल मोहन पांडे, अशोक, महेश बोरा, कमल तुलेरा, वीरेंद्र यादव, अशोक बुदियाल मौजूद रहे। धारचूला और मुनस्यारी के लोगों को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना से लोन लेने के लिए जिला विकास प्राधिकरण की अनापत्ति नहीं देनी होगी। प्राधिकरण क्षेत्र में नहीं होने के बावजूद लोगों से अनापत्ति मांगी जा रही थी। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट ने यह मामला प्राधिकरण सचिव के सामने रखा था। सचिव ने शुक्रवार को पर्यटन विभाग को पत्र लिखकर धारचूला मुनस्यारी के लोगों से प्राधिकरण की अनापत्ति नहीं लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों क्षेत्रों को प्राधिकरण के विनियमित क्षेत्र में शामिल करने पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगी हुई है। हेवेफ्यू और साइबर सेल ने ठगी के शिकार हुए 7 लोगों को 11,65,000 रुपए वापस कराए। लोगों से गूगल पे, एनी डेस्क, पुलिस अधिकारी बनकर और अन्य विभिन्न तरीकों से ऑनलाइन ठगी, जमीन खरीद फरोख्त, पैसों के लेन देन के नाम पर ठगी हुई थी। SP रेखा यादव का कहना है, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस टीम में साइबर सेल प्रभारी मनोज पांडेय,
हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल आनंद राणा, कांस्टेबल विपिन ओली, मनोज कुमार मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।